नमस्कार, पराक्रम बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। वहीं आज बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दो दिवसीय दौरे के बारे में कि सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। और वहीं अमेरिका का एक विमान जो ट्रंप के साथ में पूरी तरह से रहता है, उनके साथ में 7 गाड़ियां भी उनकी पर्सनल रहती है, वो भी भारत पहुंच चुकी है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दो दिवसीय दौरा अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे और वहां पर स्टेडियम से लगाकर साबरमती आश्रम और गांधी आश्रम के दर्शन करने के बाद उनका 25 किलोमीटर तक रोड शो भी बताया जा रहा है, जो सबसे लंबा रोड शो होगा जिसकी दोनों तरफ 50,000 से भी अधिक लोगों के होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं अहमदाबाद गुजरात सरकार पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का ये रोड शो काफी ज्यादा ऐतिहासिक भी होने वाला है। और 2 दिन का ट्रंप के इस दौरे पर वो गुजरात के अंदर कई जगहों का भ्रमण करने के बाद दिल्ली के अंदर ताजमहल को भी देखेंगे। वहीं जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर हाउडी मोदी का शो हुआ था, उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप का भी शो होगा गुजरात के अंदर, जो सबसे बड़ा भी माना जा रहा है। और भारत के लिए खुशी भी हो रही है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सीधे भारत आ रही है 2 दिवसीय दौरे पर, वो भी गुजरात के अंदर। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस 2 दिवसीय दौरे में वो कई बड़े व्यापारियों को संबोधित और भाषण भी और उनके साथ बातचीत भी करेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वोटिंग काफी ज्यादा गुजरात के व्यापारी अमेरिका के अंदर ज्यादा काम करते हैं और अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा गुजरातियों का भी प्रभाव रहता है। इसी वजह से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप उद्बोधन भी देंगे। वहीं इसके बाद में दिल्ली के अंदर वो 3 घंटे और भी बिताएंगे, जहां पर वो कई जगहों के दर्शन भी करेंगे और पीएम मोदी के साथ में कई ऐतिहासिक फैसलों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। वहीं जिसको लेकर विपक्ष की पार्टियां भी काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना ने भी बड़ा बयान दिया है कि 100 करोड़ की अगर गरीबों के अंदर बांटे भी जा सकते। वहीं अहमदाबाद के अंदर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पेंटिंगें भी लगना शुरू हो चुकी है। कैंप शो ट्रंप के नाम से जो कैंपेन था उसका नाम बदलकर नमस्ते ट्रंप कर दिया गया है, जो गुजरात सरकार ने इसकी पुष्टि भी कर ली है और पेंटिंगें भी लगाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की लगातार। और सबसे ऐतिहासिक लम्हा होगा अमेरिका राष्ट्रपति का, जो भारत आने पर ऐतिहासिक नजर आएगा।